मैं सौरभ हूँ और अभी मैं अयोध्या में हूँ। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मंदिर का एक जो राम मंदिर है, भव्य राम मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों में होने वाली है। और क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये एक शहर जो है ना, इसको एक नए तरीके से स्थापित करने की कोशिश की गई है। शहर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अगर देखा जाए तो कई नए होटल्स आए हैं। रियल इस्टेट सेक्टर को देखते हैं तो प्रॉपर्टी के रेट्स में बहुत एक बूम देखने को मिला है। जो ज़मीनें यहाँ पे पिछले साल या 2 साल 3 साल पहले जब जजमेंट आया था 2019 में 600 रुपये स्क्वायर फीट में थी, वही ज़मीनों का भाव जो है आज वो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट तक पहुँच गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बिजनेस बूम एक भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि अनकैटेगराइज सेक्टर जो है बिजनेस का, जैसे जो रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं जिनकी सड़क पर दुकानें हैं, या फिर जिनके ऐसे ऐसे व्यवसाय जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मान लीजिए अभी ये इतना ऑर्गेनाइज नहीं है अयोध्या कि यहाँ पे टूरिस्ट गाइड की फैसिलिटी उस तरीके से हो, तो शहर के युवा अपने आप को टूरिस्ट गाइड बता रहे हैं, क्योंकि वो शहर को अच्छे से जानते हैं, मंदिर को अच्छे से जानते हैं, यहाँ की हिस्ट्री को जानते हैं, तो उनको एक अनकैटेगराइज्ड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिल रहा है। ये सब त्रिशूल के साथ शंकर जी का और त्रिकुंड बना रहे हैं। कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? सर 1 साल से है। 1 साल से? जी सर। उससे पहले कहाँ थे आप, क्या करते? अयोध्या, वहाँ पे दिल्ली में था। दिल्ली में रहते थे? जी सर। तो एक साल पहले आप यहाँ आ गए? हाँ, यहाँ 1 साल पहले आ गए। क्यों आ गए आप दिल्ली छोड़ के? सर हमारा पास में रहने का है, जैसे बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, तो इसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ कि अपने यहाँ जब विकसित हो रहा है तो हम क्यों दूसरे एरिया में जाएं। दिल्ली का पेक्षा दिल्ली में भी आप यही काम करते थे? दिल्ली में यही 14 साल से कर रहे थे। 14 साल वहाँ के पेक्षा इस 1 साल में कैसा व्यवसाय बढ़ा है आपका? अभी ठीक है, पहले से तो ठीक है, पहले धीरे धीरे कम था, तो स्टार्टिंग में लोगों को पता चलता तो ठीक है। पब्लिक के आने से बिजनेस बढ़ा है आपका? जी हाँ। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं, मंदिर बन जाने के बाद कैसा रहेगा? उम्मीद यही है कि बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा। इधर अगर हम एक हफ्ते की बात करें, 10 दिन की बात करें, तो कैसा बिजनेस रहा है? अच्छा जी। आने वाले समय में जब मंदिर बनने के बाद कैसा उम्मीद कर रहे हैं? मुझे तो उम्मीद लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा जी सर। खुश हैं आप इस काम? हाँ खुश सर। इसका टैटू बनवाने का है, यहाँ क्रेज है, लोग बनवाते? क्रेज है बहुत। किस उम्र के लोग आ रहे हैं आपके पास? सर हम देखिए उम्र वाइज कम से कम 18-19 साल के ऊपर से बनाते हैं, उससे कम का नहीं बनाते हैं। हाँ। और जो जो जैसे जॉब के लायक होता है हम उसको पहले मना कर देते हैं कि आप अगर जॉब मिले आज, जैसे आपको जॉब कोई सरकारी जॉब मिल रहा तो हम उसको नहीं बनाते हैं, और ज़्यादा एजेड को भी नहीं बनाते। अच्छा, मतलब 18 से ऊपर और 40 50 के नीचे? हाँ। कौन से टैटू लोग ज्यादा बनवा रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम जी सर। अच्छा ये बताइए, 1 साल पहले जब आए थे तो मान लीजिए 1 इंच का क्या रेट था, और इस समय अब क्या रेट है 1 इंच का? सर पहले आया था 200 रुपये इंच था, अभी तो 250 रुपये ब्लैक में और 300 रुपये इंच कलर में है। अच्छा, मतलब दाम भी बढ़ा है लगभग 50%? हाँ 50% नहीं, थोड़ा 25-30%। 25%। कस्टमर कितने आ रहे हैं? कस्टमर पहले से बेटर। पहले से, पहले अगर 10 आते थे तो आप कितने आ रहे हैं? अब 10 आते थे तो 15 आते हैं। 15 आते? हाँ। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, ये पार्ट टाइम जॉब है, जैसे आते हैं थोड़ा खर्चा पानी निकाल लेते हैं, जैसे खाली रहता है तो पूरा दिन दे देते हैं, नहीं तो पढ़ाई रहता है तो मतलब बीच में देते हैं, 2-3 घंटा कर लेते हैं अपना खर्चा पानी आ जाता है। ये हमको हो गया लगभग 4 महीने, हम मतलब पहले से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेट बढ़ाए हैं आपने? नहीं, रेट तो वही चल रहा है अभी, मतलब रेट नहीं बढ़ा है लेकिन लोग ज़्यादा, लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा चलेगा, आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगा, रेट भी बढ़ेगा। बिजनेस सर जान लीजिए पहले 10% था, अब 100% हो गया। कितना हो गया? 100% हो गया। बहुत परिवर्तन आया, पब्लिक भी खूब आ रही है। और अभी इधर के 1 हफ्ता में कैसा रहा कारोबार? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया था सर। पहले का समय था कि मंगलवार को भीड़ होता था, मंगलवार को ही हम लोग बहुत ज़्यादा सहारा रहता था, लेकिन अब क्या बोलते हैं हर दिन मंगलवार है जान लीजिए आप। हाँ हर दिन हम लोग का जन्म यहीं हुआ है सर जी। मंदिर बन जाने के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं? मंदिर बन जाने के बाद तो लोगों का कहना है, हम लोगों को जो देख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि सोना बरसेगा। बहुत बदलाव आया है पहले से तो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अब, क्योंकि जिस समय ही राम मंदिर का फैसला आया और प्रधानमंत्री जी ने आते यहाँ पे
शिलान्यास का कार्यक्रम जो था वो हुआ, उसी के बाद से यहाँ भीड़ बढ़ना काफ़ी स्टार्ट हो गया और अब तो यहाँ पे हमेशा ही समझ लीजिए मेले का माहौल हमेशा बना रहता है। अब इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर पहले 10 रुपया था तो अब 50 रुपया है, इस हिसाब से ही बढ़ोतरी हुई है।